डॉक्टर हीरालाल पासवान और अनिल छेत्री के साथ डॉक्टर प्रियंकर सिन्हा ने आज कामती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल का दौरा किया और कार्डियोवैस्कुलर और थोरेसिक क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठित काम के लिए कामती एजुकेशन फाउंडेशन से सम्मान प्राप्त किया। जो डॉक्टर प्रियंकर सिन्हा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वह भारत के एक सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से एक हैं, जो कि कार्डियोवैस्कुलर ऑर्थोसिस सर्जन के रूप में कार्यरत हैं नारायणा हॉस्पिटल बेंगलोर, नारायणा हृदयालय बेंगलोर में, जो अहमदाबाद हार्ट हॉस्पिटल। के अलावा आप सभी को बता दें कि बहुत जल्द वह कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सिलीगुड़ी में भी अपना सेवा प्रदान करने वाले हैं। तो आइए इसी से जुड़ा हुआ तथ्य को और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इंपैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स बीबीसी 24x7 में। हम खड़े हैं कामती इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल में। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स को सम्मानित किया जा रहा है, इसी से जुड़ा हुआ आइए तथ्यों को जानते हैं और स्पष्ट समझते हैं। मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में और बीबीसी 24x7 में आपका स्वागत है, धन्यवाद। तो हमें बताइए, आज जो डॉक्टर साहब को ये दिया गया, उनको सम्मानित किया गया, इसका क्या था उद्देश्य? और फर्स्ट ऑफ ऑल कामती एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों का स्वागत है और कामती एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टर प्रियंकर सिन्हा आए हुए थे। ही इज़ प्रैक्टिसिंग विद नारायणा हृदयालय बैंगलोर एंड इनका अपना खुद का हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, हार्ट हॉस्पिटल के नाम से। और हम लोगों को सर जो है कामती एजुकेशन फाउंडेशन का एक यूनिट जो है कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोसिस बहुत ही जल्द सिलगुड़ी में ओपन होने के लिए जा रहा है। इसी बिल्डिंग में जो होमलैंड बिजनेस सर है, ये महिंद्रा शोरूम के जस्ट ऑपोजिट में है सिलम रोड पर। अब सर जो है यहाँ पे क्या होता है कि इनको बुलाने का इनको हम लोग आज फैसिलेट किए हैं, क्योंकि बिकॉज ये इनका हेल्थ सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इनका योगदान है और हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज है जो ये हार्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ही द नंबर वन वो हार्ट वल्व रिपेयरिंग के लिए इज़ द नंबर वन। अभी क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं कुछ भी हार्ट से रिलेटेड अगर इश्यूज होती है तो क्या होता है कि सिलीगुड़ी में जस्ट चेकअप करवा के उसके बाद यहाँ के पेशेंट डायरेक्टली मूव करते हैं बैंगलोर, चेन्नई, वेलोर। अब क्या है कि सर को हम लोग यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोसिस में, ताकि जो यहाँ के सिलीगुड़ी के लोकल पेशेंट है, नॉट ओनली सिलीगुड़ी के लोकल पेशेंट है, जैसे बांग्लादेश से बहुत सारे पेशेंट आते हैं, नेपाल से, भूटान से, लाइक बिहार से, आपका आसाम से, सिक्किम से, तो ये सब पेशेंट को हम लोग यहीं पे इस मतलब उस लेवल का सर्विसेज हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं और बहुत और ही इज़ द ऑब्वियसली ही इज़ द नंबर वन इन इंडिया।
हार्ट रिपेयरिंग। सर एक क्वेश्चन ये है सर, हार्ट को स्वस्थ रखा जाए, डिजीज़ बहुत कम हो सोसाइटी में, इसके लिए दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए ऑब्वियसली इसके लिए खाना जो है वो अच्छा होना चाहिए, पौष्टिक आहार होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज होनी चाहिए एज़ पर योर हाइट एंड वेट, जो एक्सरसाइज होना चाहिए, स्वस्थ खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। सर पहले और आज में क्या अंतर है सर इस डिजीज़ के पेशेंट्स में? देखिए एक्चुअली क्या है कि ये हार्ट वर्क रिपेयरिंग जो डिजीज़ है ये बचपन में ही बहुत सारे जो बचपन में ही ये डेवलप हो जाती है, बट हम लोगों को समझ में नहीं आता है, जब तक समझ में आता है तब तक बहुत लेट हो रहा है। तो सर से जितना हम लोगों को नॉलेज मिला है तो अभी से अगर उसको हम लोग अभी से अगर केयर करते हैं तो ये हम लोगों को उस जो अंतिम जो सिचुएशन आता है वहाँ तक जाने से रोक सकता है। सर ये क्या कारण से होता है सर? ये तो देखिए मल्टीपल रीजंस वगैरह हो सकते हैं इसके, जैसे आपका हार्ट से रिलेटेड जैसे हो गया कोलेस्ट्रॉल वगैरह से, मल्टीपल रीजंस है इसके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। तो जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।